नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में कनपटी पर कट्टा तान सिरफिरे ने कहा गोली मार लेंगे, पकड़ने गई पुलिस तो डीएसपी पर किया फायर। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मंदिर के केयरटेकर को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। शनिवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव की सारी तैयारी हुई पूरी, बॉलीवुड गायक एवं स्थानीय कलाकार देंगे प्रस्तुति। डीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले में नया खेल आया सामने, रजिस्ट्रार एवं एफओ के अप्रूवल के बिना बैंक में जमा हुई राशि। और शनिवार को शाह मार्केट में होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, मशहूर शायर मुनव्वर राना करेंगे शिरकत। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के अतिव्यस्त तिलका मांझी चौक स्थित बाबा तिलका मांझी की आदमकद प्रतिमा स्थल पर चढ़कर एक सिरफिरा युवक हाथ में हथियार लहराता रहा। युवक के हाथ में हथियार देख पहले तो चौक पर अफरा तफरी मच गई, उसके बाद राहगीरों की रफ्तार भी थम गई। हर कोई सनकी युवक की मोबाइल से तस्वीर बनाने में जुट गया। इसी दौरान सिटी डीएसपी राजवंत सिंह सहित कई लोगों ने सिरफिरे युवक को नीचे उतरने को कहा, लेकिन सनकी युवक ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर भीड़ पर ही गोलियां फायर कर दी। गोली चलते ही भीड़ के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। तभी तिलका मांझी थाने का जवान चुपके से प्रतिमा स्थल पर पहुंचा और सनकी युवक को कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया। सिरफिरे युवक की पहचान खंजरपुर निवासी अनिल कुमार मंडल के रूप में हुई है। गोली चलाने से पूर्व युवक रेव की घटना को लेकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहा था, साथ ही खुद को गोली से उड़ाने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ने की कवायद शुरू की, उसी दौरान युवक ने फायरिंग कर दिया। सीनियर एसपी आशीष भारती ने कहा कि पकड़े गए युवक के पास से हथियार और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही एसएसपी ने कहा कि युवक पूर्व में कई बार जेल जा चुका है, फिलहाल पुलिस अनुसंधान में जुटी है। मैं बोला गया कि तुरंत वहाँ पहुँचे और जो आवश्यक कार्रवाई हो करें। जब वहाँ पे सिटी डीएसपी पहुँचे तो पाए कि काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग जमा हैं और ये हथियार लगा करके कुछ बोल रहा है, तो नीचे जमीन में उसने फायरिंग कर दी। फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा उसको अपहरण किया गया और उसको वहाँ से थाना लाया गया है। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें यह पता चला है कि यह पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है, चोरी की घटना पूर्व में किया है और इसी तरीके से कुछ साल पहले इसके द्वारा एक बार दंगा होने की सूचना गलत तरीके से दे दी गई थी और उस समय भारी मात्रा में पुलिस पहुंची थी, लेकिन उस तरह कोई बात नहीं थी। इसके द्वारा कुछ बातें जो बोली जा रही हैं उसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, परंतु उन बातों में अभी तक सत्यता नहीं आई है क्योंकि जो भी पता बातें ये बार बार बदल रहा है, तो पुलिस इसमें अभी आगे का अनुसंधान करेगी और जो डिटेल है वो आपको सुना हम लोग। मेरी तो डीएसपी सी के और पदाधिकारी वहाँ अभिलंब पहुँच गए, उन्होंने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके हिम्मत के साथ जान से खेलते हुए उसको कैप्चर किया, इसको से फायर भी कर किया। जिस सिटी बाल बाल बच गई, जिस सिटी इंस्पेक्टर का ट्रैफिक भी बचे बाल बाल और थाना लेखक सिपाही यहाँ का है थाने का बहादुर से काम किया, उसे कैप्चर किया। एक कच्चा हथियार और 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। उसने क्यों फायर किया, घटना गुजर किया है हम जानने की कोशिश कर। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर बगीचे में बनी शिव मंदिर में बीती रात बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद मंदिर के केयरटेकर की हत्या कर दी। गांव में आपसी रंजिश को लेकर वृद्ध की निर्ममता पूर्वक गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रूप नारायण मंडल उर्फ छक्कू मंडल के रूप में हुई है। वहीं सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने 0 माइल थाना पुलिस के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से हत्यारे तक पहुंचने के लिए घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य को एकत्रित किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के ही रामप्रसाद और उसके पुत्र अमरजीत ने गुरुवार को हत्या करने की धमकी दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को घर में पिता की हत्या कर दी गई। वहीं घटना को लेकर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने बताया कि दुश्मनी को लेकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। सिटी डीएसपी ने कहा कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। शनिवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव की सारी तैयारी पूरी हो गई है। महोत्सव में देश के मशहूर गायक अपनी गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देंगे। शुक्रवार को महोत्सव स्थल की तैयारियों का जायजा लेने कहलगांव एसडीओ सुजय कुमार सिंह एवं एसडीपीओ डॉक्टर रेशु कृष्ण अधिकारियों के साथ अंति चौक पहुंचे
और मंच निर्माण को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान SDPO ने 3 दिनों तक भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही। वहीं SDO सुजय कुमार ने कहा कि महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के कलाकार के अलावा स्थानीय कलाकार भी अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। SDO ने महोत्सव की सारी तैयारी पूरी कर लेने की बात कही है। वहीं महोत्सव का उद्घाटन राज्यसभा सांसद कहकशा प्रवीण, सांसद अजय मंडल एवं कहलगांव विधायक सदानंद सिंह करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में बॉलीवुड गायक शब्बीर कुमार, पार्श्व गायिका पूजा चटर्जी एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य, नाटक, लोकगीत, समूह नृत्य एवं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कॉपी बिक्री मामले में हर रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को विश्वविद्यालय के खाता में 9 लाख से अधिक की राशि जमा होने की बात सामने आई है। दरअसल TMBU में कॉपी बिक्री का मामला सीनेट की वार्षिक बैठक में सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने उठाया था, जिसके बाद सदन में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कहा था कि कॉपी कब और कैसे बिकी इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। वहीं प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने कुलपति के अप्रूवल पर ही कॉपी बेचने की बात कही थी। इधर विश्वविद्यालय में बिना टेंडर और परचेज एंड सेल कमेटी को दरकिनार करते हुए जब कॉपी बिक्री का मामला उजागर हुआ तो मामले की जांच के लिए प्रभारी कुलपति ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब कॉपी बिक्री मामले में कुलपति खुद शामिल हैं तो उनके नीचे के अधिकारी मामले की जांच कैसे करेंगे। वहीं 24 फरवरी को कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने प्रेस वार्ता में कहा था कि कॉपी बिक्री मामले की जांच के लिए बनी कमेटी यह भी जांच करेगी कि विश्वविद्यालय के कोष में कॉपी बिक्री की राशि जमा हुई है या नहीं। लेकिन शुक्रवार को जांच शुरू होने के पूर्व ही विश्वविद्यालय कोष में राशि जमा होने की बात सामने आई। अब सवाल यह उठता है कि जब पैसा विश्वविद्यालय कोष में जमा हो ही गया तो प्रभारी कुलपति द्वारा बनाई गई कमेटी जांच पड़ताल किस चीज की करेगी। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनने के बाद राशि क्यों जमा कराई गई और किसने कराई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी कुलपति AK राय ने क्या कुछ कहा था। देखना यह है कि जो बिका वो बिका प्रॉपर बिका, एक दूसरा बिंदु यह देखना है जो पैसा दिया है वो पैसा दिया है कि नहीं। दो, क्योंकि उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया था कि चेक कहाँ है, पैसा कहाँ है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन्हीं चीज़ों पर इंक्वायरी करना है कि कमेटी ने 3 आदमी या 4 आदमी, जय आदमी कमेटी थी, वो कमेटी ने अपना क्या रिपोर्ट है। भागलपुर खलीपावाग स्थित सह मंजिल में शनिवार की रात कुल हिंद मुशायरा सह कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के कई राज्यों से कवि और विद्वान शिरकत करेंगे। मानवता का संदेश शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को शाह मंजिल परिसर में दिन भर तैयारियां चलती रही और कारीगर पंडाल निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में लगे रहे। कुल हिंद मुशायरा के संरक्षक खान का पीर दमड़िया के सज्जादा नशी सैयद शाह हसन मानी ने बताया कि कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवि अपनी कविता के जरिए देश में शांति और भाईचारा का संदेश देंगे। मानवता का संदेश पर आधारित कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वर राना करेंगे। वहीं खानका पीर दमड़िया के उपसज्जादा नसीं सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि मुशायरा और कवि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ते नफरत के माहौल को आपसी सद्भाव में परिवर्तित करना है। साथ ही उपसज्जादा नसीं ने कहा कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के हाफिज उस्मान, लखनऊ के यूसुफ अल हुसैनी, आकाशवाणी पटना के शंकर कैमूरी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार त्रिलोचन सिंह, कोलकाता के जमीर यूसुफ समेत देश के कई राज्यों से लोग शिरकत करेंगे। इधर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को लेकर सैयद शाह फकरे आलम हसन ने शहरवासियों से आपसी सौहार्द के लिए कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। खानकाह पीर दमड़िया की ओर से ये नवा कुल हिंद मुशायरा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है कल 29 तारीख को रात 8 बजे से, जिसमें देश के मशहूर मारूफ शायर जनाब मुनव्वर राना साहब, इरफान लखनवी साहब, डॉक्टर रिजवानुर रज़ा बस्तवी साहब, अज़म शाकरी, सुशील शाही और शंकर कैमूरी जैसे नामवर शोरा आएंगे। इस आयोजन का मकसद ये है कि जो देश भर में नफरत का वातावरण आम होता चला जा रहा है उस पर मोहब्बत के फूलों की बरसात की जाए, मोहब्बत का पैगाम, सद्भावना का पैगाम, एक दूसरे के आदर का पैगाम, देश से मोहब्बत का पैगाम तमाम समुदाय के लोगों से इंसानियत के साथ पेश आने और उनसे मोहब्बत करने का पैगाम इसके सौजन्य से दिया जाएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। भागलपुर SM कॉलेज में शुक्रवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अवध किशोर राय ने किया।
खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि खेल में अनुशासन जरूरी है। खेल के क्षेत्र में आज महिलाओं ने अपनी एक खास जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, जमीन से लेकर आसमान तक लड़कियां परचम लहरा रही है। वहीं प्रतिकुलपति डॉक्टर रामयतन प्रसाद ने कहा कि खेलकूद स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने अंग वस्त्र एवं पौधा देकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत मार्च पास्ट से हुई, जिसके बाद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मंच का संचालन डॉक्टर तवरसुम परवीन एवं डॉक्टर आशा ओझा ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर डॉक्टर नीलम महतो, सुधांशु कुमार, CTDSP राजवंश सिंह, डॉक्टर रमेश राय, डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी सहित कई अधिकारी एवं छात्रा मौजूद थे। बहुत अच्छी बात है, ये तो हर एक कॉलेज में स्पोर्ट्स डे मनाना 2020 में खेल के सभी नियमों दिया गया है कि हर एक महाविद्यालय चाहे वो लड़कियों का विद्यालय का पालन करते हुए साल में एक बार अपना जो है इन्वॉल्व और पूरे अनुशासन का पालन फिर उसी में से चयन करने के बाद करते हुए भाग लूंगी। एक क्लब होता है या तरंग होता है तो उसी में भेजने के लिए यह भी बहुत जरूरी है और लड़कों में एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए कि नए स्पोर्ट्स भी जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना पढ़ाई हो। और होता ये हमारी छात्रा उठने चुकी है। महाविद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है तो बच्चों के मन में इच्छा रहती है कि हम स्पोर्ट्स डे में अपनी भागीदारी को निभाएं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों की तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर स्टेशन चौक पर शुक्रवार को दुग्ध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना की अध्यक्षता कर रहे दिलीप यादव ने रेल मंत्रालय से रेलवे की जमीन पर अस्थायी रूप से दुग्ध बाजार बनाकर उसको लीज पर देने की मांग की। साथ ही धरना को संबोधित करते हुए RJD के प्रदेश महासचिव डॉ. चक्रपाणि हिमांशु ने रेल मंत्रालय से अविलंब दूध विक्रेता की मांग सुनने की बात कही। धरना में दिनेश यादव, प्रकाश यादव, विकास यादव, भागवत यादव, पप्पू यादव, राविया खातून सहित कई दुग्ध विक्रेता मौजूद थे। दूध विक्रेता संघ भागलपुर के द्वारा एक दिवसीय महा धरना का कार्यक्रम स्टेशन चौक पर और स्टेशन परिसर में दिया जा रहा है कि दूध विक्रेता संघ के साथी को पूर्व मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ पर शेड बना करके दिया था, पानी की व्यवस्था किया था, शौचालय की व्यवस्था किया था कि हजारों परिवार जो दूध गर्म दूध लेकर के माथे पर लेकर के यहाँ आता है वो आराम से बैठे हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था, जो दूध कारोबारों को बर्तन धोने के लिए होता पानी का व्यवस्था किया था, शौचालय के लिए इधर उधर नहीं जाओ उसका व्यवस्था लालू जी ने किए थे। आज संधिकरण के नाम पर उनके जो है शेड को, उनके मकान को तोड़ दिया गया और दूसरे जगह मौखिक आदेश पर दिया गया है। अखिल भारतीय कानकुज्जी ब्राह्मण विकास मंच की ओर से भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में शुक्रवार को सामूहिक यज्ञोपवित्र सह उपनयन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हर आयु वर्ग के बच्चे एवं युवाओं का पूरा रीति रिवाज के साथ मुंडन एवं उपनयन किया गया। इस दौरान भागलपुर समेत कई जिला से लोग उपनयन के लिए एकत्रित हुए और मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में काफी संख्या में कानकुज्जी ब्राह्मण समाज के पुरुष, महिला, युवक, युवती एवं बच्चे भी मौजूद थे। अध्यक्ष डॉ. PN पांडे ने कहा कि प्रत्येक वर्ष ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार आयोजित किया जाता है, जिसमें गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग कम खर्च में उपनयन संस्कार करा पाते हैं। इस आयोजन में पूरे समाज के लोगों का विचार भी साझा किया जाता है, जिससे बच्चों में संस्कार विकसित किया जा सके।
इस मौके पर सप्तऋषि पांडे, बुलबुल चौधरी, सुनीता मिश्रा, संगीता तिवारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हमारे समाज कानपुर विकास मंच की तरफ से ये अपने संस्कार विगत 2001 से होते आ रहा है और इसमें सर्वप्रथम हम लोग यज्ञ पवित्रीक्षण किए, उसमें से पहले पहले हम लोग 5-6 गरुआ का स्टार्ट किए, लेकिन आज के डेट में वो 100 से ऊपर गरुओं का यज्ञ पवित्र निःशुल्क करते आ रहे हैं। इससे नॉमिनल फीस लगता है, जो हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस जो कहते हैं, उसमें गरीब ब्राह्मण बच्चों का उपनयन संस्कार हो जाता है। आजकल के महंगाई के ज़माने में ये एक गरुआ के करने का 1-1.5 लाख रुपये खर्चा होता है, जिसमें हम यहाँ पर 1.5 से 2 हज़ार के बीच में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये गरुआ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। भागलपुर खंजरपुर स्थित सत्यम वेब प्लस टू इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, प्रोफेसर देव्यानी मुखर्जी, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, संगीता तिवारी, नीरज तिवारी एवं संस्थान के निर्देशक राजेश कुमार एवं राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विज्ञान प्रदर्शनी मुख्य रूप से कोरोना वायरस के प्रभाव एवं रोकथाम, विज्ञान में हो रही तकनीकी विकास एवं शहर में हो रहे विकास पर आधारित थी। प्रदर्शनी में इंस्टीट्यूट के छात्रों ने कई तरह के मॉडल बनाकर कचरा प्रबंधन से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग और अतिक्रमण मुक्त शहर को दर्शाया। मौके पर संस्थान के निर्देशक राकेश कुमार ने कहा कि देश में बढ़ती प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिसके रोकथाम को लेकर बच्चों ने मॉडल बनाया और प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने जल जीवन हरियाली को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया एवं गंगा की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की। मौके पर संस्थान के शिक्षक अंकित कुमार, शिल्पी उज्ज्वल सर समेत कई छात्र छात्रा मौजूद थे। यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया था साइंस का, क्योंकि साइंस डे का जो नेशनल थीम हम लोग के पास था, वोमेन्स इन साइंस, यानी महिलाओं का योगदान विज्ञान में। तो अलग अलग कैटेगरीज से लेके बच्चों ने, जैसे अभी कोरोना वायरस को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, गार्बेज सिस्टम को लेकर, अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ बच्चों ने दिखाया था। उनका मकसद क्या था? मकसद था कि हम लोग अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करते हैं साइंस में, ये दिखाने का। क्योंकि बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं हो पाता है, किताबी नॉलेज तक बच्चे सीमित हो पाते हैं, तो जब एग्जीबिशन होता है तो बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अपने नॉलेज कंटेंट को लोगों के सामने रखते हैं। इनसे उनके प्रतिभा का इंक्रीजमेंट मिलता है, एक एक्सपोजर मिलता है, इसलिए इस एग्जीबिशन को हम लोग लगाए थे। देश में अमन चैन का माहौल कायम रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को भाकपा माले, एक्ट टू एवं इंसाफ मंच की ओर से भागलपुर के घंटाघर चौक से शांति एवं न्याय मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस के शर्मा ने किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जनसंहार एवं दंगा के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करने के साथ गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। इसके अलावा केंद्र सरकार एवं भाजपा को देश के बिगड़ते हालात का जिम्मेदार बतलाया और भाजपा नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इंसाफ मंच के मुकेश मुक्त ने कहा कि देश भर में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर हमला करना सरकार बंद करे और दंगे में घायल हुए लोगों का इलाज कराने के साथ हर प्रकार के हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करे। इस मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, गौरी शंकर, प्रवीण कुशवाहा समेत कई पुरुष एवं महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज पूरे देश में भाकपा माले, दिल्ली में जो एक सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, जो आग लगाने की कार्रवाई चली, उसके खिलाफ हम लोग शांति, सद्भावना और न्याय मार्च निकाल रहे हैं। शांति, सद्भावना और न्याय के लिए पूरे देश में भाकपा माले, एक्ट टू और इंसाफ मंच का प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन से माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि ये दंगाई गिरी मंत्री, जो खुद तरीपार है, दिल्ली में दंगे होते रहे और वो मूक दर्शक कहाँ छिपा रहा है ये पता नहीं चला, हम उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित धरना के चौथे दिन शुक्रवार को भागलपुर समाहरणालय परिसर में शिक्षकों ने संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर विगत 4 दिनों से समाहरणालय परिसर में धरना पर बैठे शिक्षकों ने सभी शिक्षकों से हड़ताल, मूल्यांकन बहिष्कार करने, तालाबंदी करने और आंदोलन में बढ़ चढ़ कर सहयोग करने की अपील की। जिला सचिव सत्यजीत कुमार एवं डॉक्टर रविशंकर समेत कई शिक्षकों ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांग मानने की घोषणा नहीं करती, तब तक शिक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर MLC प्रत्याशी संजय कुमार चौहान, शरद चंद्र झा, प्रवीण झा समेत काफी संख्या में पुरुष एवं महिला शिक्षक मौजूद रहे।
वहीं जगदीशपुर प्रखंड संसाधन केंद्र में बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति के आह्वान पर मांगों के समर्थन में धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता निर्भय कुमार झा ने की। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षकों ने कहा कि हर हाल में सरकार को उनकी मांग पूरी करनी होगी। इस मौके पर रामचंद्र साह, प्रदीप सिंह, रीता कुमारी समेत कई शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आह्वान पर 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सांसद चंदन सिंह गुरुवार को भागलपुर कहलगांव विधानसभा के गोराडी प्रखंड पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका अंगवस्त्र एवं बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद रैली को सफल बनाने के लिए चौपाल सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता लोजपा जिलाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान की जनसभा ऐतिहासिक होगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मौके पर जिला प्रभारी भुवनेश्वर पाठक, प्रखंड अध्यक्ष दुर्गेश यादव, सुबोध पासवान, बबली वर्मा, डॉक्टर राकेश सिंह सहित हजारों लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। लंबे अरसे बाद सनौला प्रखंड परिसर के ट्राइसम भवन में पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड में चल रही योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं प्रमुख सुषमा देवी ने क्षेत्र में चल रहे बाल विकास परियोजना, मनरेगा, शिक्षा, जन वितरण सहित कई विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुखिया शिव कुमार शाह द्वारा सनोखर बाजार में हो रहे पीएचडी विभाग द्वारा बोरिंग में अनियमितता एवं क्षेत्र में खराब पड़े चापा नल का मुद्दा भी उठाया गया। साथ ही समिति सदस्य दिनेश यादव ने मध्य विद्यालय भवानीपुर को उच्च विद्यालय में प्रोन्नत करने का मुद्दा उठाया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि किसान कोऑर्डिनेटर घर बैठे ही दलालों से पैसे लेकर काम करते हैं, साथ ही पंचायत में एक दिन भी उपस्थित नहीं होते, जिससे किसानों को मिलने वाली फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। बैठक में उपप्रमुख गीता देवी, वीडियो अरविंद कुमार, सीओ अमित कुमार, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पूनम देवी, सहकारिता पदाधिकारी निर्दोष कुमार, प्रखंड कोऑर्डिनेटर नीरज कुमार सहित प्रखंड के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में कनपटी पर कट्टा तान, सिर फिरे ने कहा गोली मार लेंगे, पकड़ने गई पुलिस तो डीएसपी पर किया फायर। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मंदिर के केयरटेकर को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। शनिवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव की सारी तैयारी हुई पूरी, बॉलीवुड गायक एवं स्थानीय कलाकार देंगे प्रस्तुति। डीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले में नया खेल आया सामने, रजिस्ट्रार एवं एफओ के अप्रूवल के बिना बैंक में जमा हुई राशि। और शनिवार को शाह मार्केट में होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, मशहूर शायर मुनव्वर राणा करेंगे शिरकत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।